Hello everyone, welcome to Mathura Commerce classes. Today I am going to tell about you gate word. So you know gate. Gate word is a verb word. Gate means pana. Gate means pana. You know this word. Okay. First of all, we have to use here gate word for spoken. So in spoken, gate means pana. So gate. Gate is verb 1 and V2 got, V3 gotten and V4 getting and V5 gets. So today I am going to tell about you gate word in spoken. Okay, everybody. Dekhi, gate, you see gate ka use, gate word is used in different, okay, situation, and we have to use here gate word in spoken. इन ट्रांसलेशन ओके. तुम्हें यह समाचार कब मिला? तुम्हें यह समाचार कब मिला? तो यू नो दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट. ओके, ये पास्ट टेंस में है. तो पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट में इसका डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे कि कब, ये डब्ल्यू एच वर्ड है. तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, ओके, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव का यहाँ पर हो जाएगा. तो व्हेन डिड, जैसे कि तुम्हें यह समाचार कब मिला, व्हेन डिड यू गेट दिस गेज. ओके, मैं यहाँ तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ. आई केम हियर टू गेट योर एडवाइस. तुम्हारी चाय ठंड हो रही है. योर टी इज गेटिंग कोल्ड. तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे. यू विल Soon get better. मैं देर हो रहा हूँ. I am getting late. कुर्सी से अपना पाँव हटाओ. Get your foot off the chair. मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है. I have to get the children ready for school. मुझे गलत मत समझना. Don't get me wrong. मुझे बहुत प्यास लगी है. I have got a terrible thirst. मुझे बुखार आया है. सॉरी, मुझे नहीं है, यहाँ पर उसे है. तो उसे बुखार आया है. ही हैज गॉट ए फीवर. तो वी हैव टू यूज हियर गेट वर्ड, ओके, इन टेंस ऑल्सो, इन स्पोकन ऑल्सो. सच टेक एग्जाम्पल्स. गेट योर फूट ऑफ द चेयर्स, दिस सेंटेंस, ओके, दिस सेंटेंस यूज इन स्पोकन एंड दिस सेंटेंस यूज इन टेंस. तो गेट वर्ड का प्रयोग बहुत ही मायनों में होता है और गेट वर्ड को हम लोग यहां समझे हैं. और इसी तरह से गेट वर्ड का आप लोग यूज करेंगे और इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखेंगे और ये आप यूज कर सकते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये मथुरा कॉमर्स क्लासेस, यहां आपको इंटर और प्लस स्पोकन, इंटरमीडिएट प्लस टू एंड स्पोकन. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां मतलब कि आपको यहां इंटरमीडिएट प्लस स्पोकन की अध्ययन कराई जाती है. तो यहां कॉमर्स क्लासेस, आई कम बी कम, आई कम इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम एंड आर्ट्स आल्सो फॉर इंटर क्लासेस. ओके, इंटर के लिए भी आर्ट्स की पढ़ाई यहां पर होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग गेट वर्ड को ध्यान से देखेंगे और इसको अपने डेली यूज में प्रयोग करेंगे. जैसे कि ये डेली यूजेस सेंटेंसेस के लिए है. और भी सेंटेंसेस आते हैं, आप लोग इसको मतलब खुद से मेक योर सेल्फ, ओके, मेक योर सेल्फ एंड स्पीक विथ समवन, दूसरे के साथ आप बोलिए इसको, तब आप लोग क्या मतलब इस सेंटेंस का मतलब यूज, जितना यूज करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, इजी बनता जाएगा. आप यूज नहीं करेंगे आपके लिए डिफिकल्ट बनता जाएगा. आज मैं पढ़ा दिया और आप लोग इसको देखकर छोड़ दिए, इसको यूज नहीं किए, बोले नहीं, फिर हम लोग कैसे समझ पाएंगे, कैसे इसको मतलब अपने डेली लाइफ में उतार पाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको वॉच करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. थैंक यू, दिस वाज फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.